केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश प्रशासन की ओर से शुक्रवार देर रात वीकेंड लॉकडाउन का आदेश शनिवार सुबह आनंद फानन में लागू करवाया गया। वीकेंड लॉकडाउन की जानकारी न होने के कारण आज सुबह शहर के बाजार आम दिनों की तरह ही खुले थे। सरकारी आदेश में गैर जरूरी गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू किए जाने के बावजूद शहर में गैर जरूरी सामान की दुकानें सामान्य रूप से खुली, लेकिन बाद में पुलिस ने बाजारों में घोषणा कर गैर जरूरी सामान की दुकानों को बंद कराया। प्रदेश स्तरीय आदेश होने के बाद जम्मू के डिप्टी कमिश्नर अर्शुल गर्ग ने भी आज सुबह ट्वीट कर ये जानकारी साझा की कि जिला में गैर जरूरी गतिविधियों पर रोक रहेगी। हालांकि इस दौरान ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर किसी तरह का भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा और होटल रेस्टोरेंट्स भी होम डिलीवरी दे सकेंगे। आदेश के बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने गैर जरूरी दुकानों को शनिवार के दिन खुलने की अनुमति दिए जाने का मुद्दा डीसी के समक्ष उठाया। चैम्बर ने दलील दी कि समय रहते जानकारी न होने के कारण आज सभी बाजार खुले हैं, लिहाजा इन्हें बंद न करवाया जाए और रविवार से भी के लॉकडाउन लागू किया जाए। चैम्बर प्रधान अरुण गुप्ता के मुताबिक डीसी ने उन्हें आज के दिन नरमी बरतने का भरोसा दिलाया। चैम्बर और डीसी के बीच इस बातचीत के विपरीत शहर में पुलिस ने सभी गैर जरूरी दुकानों को बंद करवाते हुए वीकेंड लॉकडाउन को लागू करवाया, लेकिन बाद में चैम्बर की मांग पर 4 बजे तक सभी बाजार खुलने की अनुमति मिल गई। शहर में फिर खुली सभी दुकानें और उसके बाद डीसी जम्मू की ओर से दी गई सूचना के अनुसार अब ये साफ हो गया है कि जिला में हर शुक्रवार रात 9 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन लागू रहेगा। इस अवधि के दौरान केवल खाद्य वस्तु एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें खुली रहेगी और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टर सेवाएं भी जारी रहेगी। सर मुझे बता दीजिए कि जिस तरीके से दुकानदारों में कंफ्यूजन बना हुआ है कि 4 बजे तक को लेके, क्योंकि अभी भी जिस तरीके से हम देख रहे हैं पुलिस लगातार जो है अनाउंसमेंट कर रही है, तो बड़ी परेशानी हो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, 4 बजे के बाद का कंफ्यूजन तो हमने खत्म ही कर दिया ना। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि एक कंफ्यूजन था जिसमें आज के न्यूज़पेपर में जो चीज आ गई कि भाई आज जो है वीकेंड लॉकडाउन शुरू, यानी सैटरडे और संडे जो है नॉन जो एसेंशियल आइटम्स है उस पे वीकेंड लॉकडाउन, तो हमने अपनी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, हमने पुलिस डिपार्टमेंट से बात की और उनको रिक्वेस्ट की कि भाई आज का दिन जो है हम लोग जो है बिजनेस बंद नहीं होने देंगे और 4 बजे तक, मैं ये चाहूंगा कि 4 बजे तक आप हमें अलाउ करिए और मैं अपनी तरफ से यही लोगों से अपील करूंगा कि 4 बजे के बाद में अपने अपने शॉप्स जो है एस्टेब्लिशमेंट जो है उनको बंद करिए और अपने अपने घरों में चले। पर जैसे ये अभी अब लोग ये भी कह रहे हैं कि नॉन एसेंशियल में कौन कौन सी चीजें आएंगी, बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल उठने लगा है क्योंकि पहले एक डिस्ट्रीब्यूशन रहता था कि एसेंशियल की लिस्ट आती थी और नॉन एसेंशियल की, इस बार ऐसा कोई लिस्ट भी जो है नहीं देखने को मिल रही। नहीं, उसको बैठ करके हम लोग जो है ना इस चीज को भी सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये आपको बताना चाहूंगा कि ये जो इटरी है, रेहड़ी वाले हैं, फड़ी वाले हैं, ये जो ढाबे वाले हैं जी, इनको अलो किया गया है। ये कल भी खुले रहेंगे, आज भी खुले रहेंगे जी। और इसके अलावा जो रेस्टोरेंट हैं आज खुले रहेंगे, कल से ये सिर्फ होम डिलीवरी जो है वो कर सकते। तो जैसे रेस्टोरेंट के लिए भी 4 बजे तक का ही अलोवेंस है ना कि 4 बजे तक वो खुल सकते हैं और उसके बाद उनको भी होम डिलीवरी। हाँ, लेकिन आज का दिन क्योंकि उनका सामान बना हुआ है तो हमने रिक्वेस्ट की है कि अगर आज का दिन आप उनको अलो कर देते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कल से वो जो है होम डिलीवरी जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। न्यूज डेस्क से रोवी केरनी की रिपोर्ट।